नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बराबर कर रहे होंगे, क्योंकि तो एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं बस कुछ ही दिनों में, तो आप लगे होंगे एग्ज़ाम्स की तैयारी में। तो आपकी तैयारी को और ज़्यादा धार देने के लिए हम चला रहे हैं रिविजन की श्रृंखला, PYQ सीरीज चला रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, इस कड़ी में हम जो इस समय कर रहे हैं वो हिंदी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और हिंदी में टॉपिक वाइज हम सीरीज लेकर चल रहे हैं। और टॉपिक वाइज सीरीज में जो टॉपिक है हमारा वो है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी की क्लास अगर हम देखें तो कल इसका जो है एक पार्ट हो गया था, ठीक है, वर्तनी का कल एक पार्ट हो गया था, और आज हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं, दूसरा और अंतिम पार्ट आज वर्तनी शुद्धि का, ठीक है। तो फटाफट से जुड़ जाइए, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार दोस्तों में और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है इनमें से कौन सा है, उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल या फिर वत्सल। इसमें से कौन सा अशुद्ध लिखा है आपको ये बताना है, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बात करें यहाँ पर उज्ज्वल की, उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है, ठीक है, उज्ज्वल आपका गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे क्या है सही लिखे हुए हैं। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो उज्ज्वल लिखा जाता है दो बार, जो आधा चा होता है वो दो बार लगता है, ठीक है, उज्ज्वल, तो ऐसे लिखा जाएगा उज्ज्वल, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द रूप है कौन सा, शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, दुर्निवार, दुहनिवार या फिर दुर्निवार, कौन सा इसमें शुद्ध है आपको ये बताना है। तो शुद्ध शब्द की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम शुद्ध रूप है। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम शुद्ध रूप है दुर्निवार। इसको अगर दूसरी तरीके से और लिखना चाहें तो एक और तरीका भी है लिखने का, वो ऐसे दुर्निवार्य, कैसे दुर्निवार्य, तो इसमें भी रहा, और ऐसे एक ये तरीका होता है दुर्नि वारे लिखने का, तो एक ये भी तरीका है और एक ये तरीका है, दोनों ही तरीके सही होते हैं, ठीक है, बाकी सारे गलत दिए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी, कौन सा अंताक्षरी सही है इसमें। सही विकल्प की बात करें तो अंत्याक्षरी होता है, क्या होता है अंत्याक्षरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। अंताक्षरी नहीं होता है, ना ही अंताक्षरी होता है और ना ही अंताक्षरी होता है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, द्वारका, पूज्यनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्या, बताइए कौन सा एकदम शुद्ध दिया गया है। तो शुद्ध वर्तनी है वो है द्वारका की, ठीक है, क्या है द्वारका की एकदम वर्तनी शुद्ध दे रखी, बाकी सारे देखें तो गलत दे रखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कल भी मैंने बताया था, इसका जो पूजनीय होता है तो पूजनीय नहीं होता है, ठीक है, ये गलत तरीके से लिखा है। पूजनीय अगर हमें लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे पूजनीय, ठीक है, पूजनीय और पूजनीय दो वर्ड होते हैं, ठीक है, बाकी अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर ध्यान होता है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे अहिल्या ना हो के अहल्या होता है, क्या होता है अहल्या होता है, ठीक है, तो ये वर्ड सभी आप सभी को आते ही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, सन्यासी, अकाल, अनुगृहीत या फिर आजीविका, किसकी वर्तनी एकदम शुद्ध दी गई है। तो शुद्ध वर्तनी की बात करें तो सन्यासी एकदम शुद्ध दिया है, ठीक है, सन्यासी में आधा ना भी लगता है और ऊपर बिंदी भी लगती है, ठीक है, बाकी अकाल नहीं होता, अकाल होता है, अनुग्रहीत में आप सभी को पता है ऐसे वाला गा बनता है यहाँ पर, और आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, क्या होता है आजीविका होता है, ये वा में छोटी ई की मात्रा भी लग जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, वांग्मय, 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 वांग्मय,
कौन सा वाङ्मय इसमें शुद्ध है आपको ये बताना है, ठीक है? तो कौन सा वाला वाङ्मय शुद्ध हो जाएगा? तो बात करें अगर ऑप्शन नंबर सी की, ठीक है, सी में जैसे वाङ्मय दिया हुआ है सेम वैसे ही वाङ्मय लिखा जाएगा, ठीक है, बाकी सारे वाङ्मय गलत दे रखा है। ए वाले में जो ऊपर ये लगा है ये ऊपर नहीं लगता है, ठीक है, बाकी सारे और भी गलत दे रखे हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो शब्द का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? वंदना, 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 बताइए शुद्ध रूप कौन सा है आपको ये बताना है। तो शुद्ध रूप की बात करें अगर जिसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है वो है वंदना, ठीक है, क्या है? वंदना एकदम शुद्ध रूप है, हालांकि लिखने पढ़ने में इसका भी यूज करते हैं, लेकिन अगर जब बात व्याकरण की दृष्टि से आएगी तो व्याकरण की दृष्टि से इसी को एकदम शुद्ध माना जाता है, ठीक है, बाकी सारे तो गलत ही दे रखे हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कौन सा? इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है अंतर्ध्यान, षष्ठम, सहस्त्र, अनुसंगिक, बताइए कौन सा शुद्ध दे रखा है। तो शुद्ध की बात करें तो अंतर्ध्यान एकदम शुद्ध दे रखा है, ठीक है, क्योंकि अंतर्ध्यान नहीं होता अंतर्ध्यान होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट दे रखा है यहाँ पर, क्लियर है? बाकी षष्ठम नहीं होता इस तरह, षष्ठम के स्थान पर क्या लिखा जाता है? षष्ठ लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? षष्ठ लिखा जाता है ऐसे, क्लियर है? षष्ठ हो जाएगा। और सहस्त्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, सहस्त्र कैसे लिखा जाता है? सहस्त्र में उसी में त्रा लग जाता है, ठीक है। और आनुषंगिक का पता ही आपको, आनुषंगिक होता है, क्या होता है? आनु बड़ा आ लग जाता है यहाँ पर, क्लियर है? तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन नामों में से एक वर्तनी शुद्ध है, किसकी शुद्ध है? कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ, राहुल, संस्कृत्यायन, बताइए किसकी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है आपको, शुद्ध नहीं अशुद्ध बताना है। तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो अगर हम देखें यहाँ पर कौशल्या एकदम सही दे रखा है, मैथिली शरण गुप्त भी सही है, मेघनाथ भी सही है, राहुल संस्कृत्यायन गलत दे रखा है, ठीक है, क्योंकि राहुल संस्कृत्यायन नहीं होता है, क्या यायन नहीं होता है, संस्कृत्यायन ऐसे होता है, देखते हैं, संस्कृत्यायन, संस्कृत्यायन होता है, सांस नहीं होता है, संस्कृत्यायन ऐसे, संस्कृत्यायन, ये वाला जो आधा सा लगा है इसमें ये आधा सा नहीं लगता है, संस्कृत्यायन होता है, राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अक्सर हम लोग क्या करते हैं इसी तरह ही लिख देते हैं, ठीक है, तो फिलहाल ये अशुद्ध है और जो बताया वो शुद्ध है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है, अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुग्रहीत, कौन सा अशुद्ध है? तो अशुद्ध की बात करें इसमें जो जागृत दिया है, जागृत ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, भले ही बोलचाल की भाषा में या फिर लिखने की भाषा में भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये जागृत ऐसे नहीं होता है, जागृत ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है जागृत, और इसमें क्या लगता है? हलंत भी लग जाता है, ठीक है, हलंत भी एक लग जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, ज्योत्सना या फिर ज्योत्सना, ज्योत्सना, बताइए कौन सा ज्योत्सना इसमें से सही दे रखा है। ज्योत्सना को लेके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ज्योत्सना में क्या लगता है? आधा ता और आधा सा लगता है, ठीक है, कभी भी आधा ता और पूरा सा नहीं लगता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, बाकी सारे तो एकदम गलत ही है, क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द हिरण्यकश्यप, इसके बारे में हमने कल बात किया था, तो फटाफट से इसका आंसर छाप दीजिए आप लोग, तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के, क्या हो जाएगा? हिरण्यकश्यप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? हिरण्यकश्यप होता है, ना कि कश्यप, ना ही कश्यप, ना ही कश्यप, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से
अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी ही कौन सी है, महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी, बताइए कौन सा इसमें अशुद्ध दे रखा है। तो अशुद्ध की बात करें तो क्या दे रखा है, वाल्मीकि एकदम अशुद्ध दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, वाल्मीकि एकदम अशुद्ध दे रखा है, क्योंकि क्या होता है, वाल्मीकि होता है, क्या होता है, वाल्मीकि होता है, छोटी का में छोटी ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है, और बात करें सन्यासी की तो सन्यासी भी गलत दे रखा है। ठीक है, सन्यासी भी कैसे लिखा जाएगा, सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि एक बिंदी भी ऊपर लगेगी और आधा ना भी लगेगा। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो बी और डी दोनों ही आंसर एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। जाज्वल्यमान, 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 कौन सा जाज्वल्यमान इसमें से सही दे रखा है, नजरों का खेल है, फटाफट से ढूंढ निकालिए कौन सा सही दे रखा है। शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जाज्वल्यमान की बात करें तो जाज्वल्यमान में हलंत लगता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, हलंत लगता है, बाकी जाज्वल्यमान अगर देखें तो यहाँ पर एक जा लगता है, दो जा नहीं लगते हैं, जैसे इसमें दो बार आधा जा दे रखा है, ठीक है, वो नहीं लगता है, बाकी हलंत का भी ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, सांप्रदायिकता होता है या सांप्रदायिकता होता है, या सांप्रदायिकता या ऐसे सांप्रदायिकता होता है, कौन सा सांप्रदायिकता सही है बताइए। तो कौन सा सही होता है, सांप्रदायिकता होता है, सांप्रदायिकता नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, निरापराधी, निरापराध, निःपराध, निरपराध, कल भी इस क्वेश्चन को किया था हमने, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निरपराध, क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा, निरपराधी नहीं होता है, ना ही निःपराध होता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशोक्ति या फिर अतिशोक्ति, कौन सा अतिशोक्ति सही है आपको ये बताना है, कैसे लिखा जाएगा अतिशयोक्ति। तो अक्सर हम क्या करते हैं, अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं, आधा सा लगाकर, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ज्यादातर, लेकिन जो सही शब्द है वो सही शब्द क्या है, अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है, ऐसे अतिशयोक्ति शुद्ध माना गया है। ठीक है, ये अक्सर हम लिखते हैं अतिशयोक्ति लिखते हैं। ठीक है, अतिशयोक्ति आधा सा लगाकर लिखते हैं, लेकिन ये क्या होगा, पूरा सा होगा, सलगम वाला। ठीक है, तो ऐसे अतिशयोक्ति लिखा जाता है। निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध का चुनाव करना है आपको, शुश्रूषा, शश्रूषा, वेशभूषा, मनीषा, कौन सा अशुद्ध दे रखा है बताइए। तो अशुद्ध की बात करें जो शश्रूषा दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी नंबर वाला, ठीक है, बी में जो दे रखा है शश्रूषा वो एकदम गलत दे रखा है, बाकी सारी चीजें सही हैं, शश्रूषा, शुश्रूषा ऐसे लिखा जाएगा, वेशभूषा भी सही है, मनीषा भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध का चुनाव करना है, उज्ज्वल, श्रृंगार, कवयित्री, श्रद्धा, कल भी इस क्वेश्चन को किया था हमने, बताया था कैसे इसको सही से लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों ने श्रृंगार किया था बखूबी कल, तो वही आज श्रृंगार करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार ऐसे नहीं होता है बल्कि एक बार ये लगता है। ठीक है, श्रृंगार ऐसे श्रृंगार होता है, ये वाली मात्रा नहीं लगानी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुसुईया बताना है कैसे लिखा जाएगा, अनुसुईया, अनुसुईया, अनसुया, अनसुया, बताइए कौन सा अनुसुईया सही होता है, बोलने में अनसुईया बोलते हैं लेकिन लिखने में क्या लिखते हैं,
लिखने में अनसुया लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अनसुया। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अनसुया होता है। क्लियर है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वहीर मर्गन की शुद्धवर्तनी क्या है, क्या होता है? बहिर्मृगन होता है कि बहिर्गमन होता है? बहिर्गमन, 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 बताइए कौन सा शुद्धवर्तनी है। तो शुद्धवर्तनी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम शुद्ध आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इसका शुद्ध नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका मत करिएगा। ऑप्शन नंबर बी गा में भी रा की मात्रा ऐसे करके लगती है, ठीक है, हा में नहीं लगती है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्यान्ह का शुद्ध वर्तनी है, मध्यान्ह कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे, बताइए कैसे मध्यान्ह लिखा जाएगा। तो मध्यान्ह की बात करें तो मध्यान्ह लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरह, जैसे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, आधा हा का यूज करते हैं, ठीक है, मध्यान्ह, ठीक है। और अगर देखें ऑप्शन नंबर ए में तो इसमें पूरा हा दिया है, लेकिन हम पूरा हा नहीं लगाते हैं, आधा हा लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रज्वल आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। प्रज्वल, ऐसे, प्रज्वल, 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 कौन सा वाला प्रज्वल सही होता है? तो बात करें जो प्रज्वल एकदम सही होता है वो ये होता है, प्रज्वल, ठीक है, प्रज्वल होता है, प्रज्वल, ठीक है, ना कि प्रज्वल। प्रज्वल लिखा जाता है, बाकी प्रज्वल वगैरह बोलते हैं लोग, लेकिन प्रज्वल होता है, ये ऑप्शन सही नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बचपन से गलतियां हम लोग करते आए हैं, आगे भी लिखेंगे, आगे भी लिखने को आएगा, लिखेंगे हम लोग ऐसे ही, ठीक है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर शुद्ध पूछेगा तो ये प्रज्वल होता है, ठीक है। अगर ऐसे प्रज्वल कहीं लिख दोगे तो फिर लोग कहेंगे कि गलत है, क्योंकि उनको व्याकरण की शुद्धि नहीं पता होती है, तो वो ऐसे ही प्रज्वल सही मानेंगे, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में जो बात ध्यान रखनी वो ऐसे ही प्रज्वल लिखना है, ठीक है, इसी को सही मानना है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कृषांगिनी की शुद्ध वर्तनी क्या है? कृषांगी, कृषांगिनी, कृषांगिनी, कृषांगी, बताइए शुद्ध वर्तनी क्या होती है। तो क्या होती है? तो कृषांगिनी को बोलते हैं कृषांगी, ठीक है, क्या बोलते हैं? कृषांगी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कृषांगिनी नहीं होता, ना ही ये होता, ना ही ये होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यावहारिक या फिर व्यवहारिक, कौन सा इसमें से शुद्ध दे रखा है बताइए। तो शुद्ध की बात करें तो होता है व्यावहारिक, क्या होता है? व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है, ये होता है व्यावहारिक। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध आपको बताना है आशीर्वाद, आरसीवाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद, बताइए कौन सा आशीर्वाद सही दे रखा है इसमें। आशीर्वाद को लेके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसकी भी वर्तनी को अच्छे से देख लीजिए, और ये होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जैसे आशीर्वाद लिखा है वैसे ही आशीर्वाद करना है आपको, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऐच्छिक आपको बताना है कैसे लिखा जाएगा। इच्छिक, ऐच्छिक, 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 बताइए कौन सा ऐच्छिक सही है इसमें से। तो सही ऐच्छिक की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी वाला ऐच्छिक एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, ए की मात्रा लगती है, ए की मात्रा नहीं लगती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ए की मात्रा लगती है, ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक नहीं होता है, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सिंघनी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? सिंघनी, सिंघनी, सिंघानी, सिंघी, सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो सिंघनी शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी में जैसे लिखा है वैसे होता है सिंघनी, ठीक है,
बाकी सारे गलत दे रखे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? क्षुद्र कैसे लिखा जाता है? ये वाला क्षुद्र, ये क्षुद्र, ये क्षुद्र या फिर ये वाला क्षुद्र, कौन सा क्षुद्र सही है? तो क्षुद्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होता है, ये वाला छा लगता है, यानी छतरी वाला छा लगता है क्षुद्र में, छतरी वाला छा नहीं लगता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बर्बरता कैसे लिखा जाएगा बताइए? बर्बरता, तो बर्बरता की बात करें तो कैसे लिखा जाएगा? जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, बर्बरता। ठीक है, यही होता है बर्बरता, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होता है? निष्पापी कैसे लिखा जाता है? निष्पाप, 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 सही जवाब क्या होगा? तो बात करेगा, निष्पापी नहीं होता है, क्या होता है? निष्पाप होता है। क्या होता है? निष्पाप होता है। ऐसे ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। पूर्ति कैसे लिखा जाएगा? पूर्ति, 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 तो आसान क्वेश्चन है ये, क्या हो जाएगा? पूर्ति होता है। क्या होता है? पूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग, इनमें समय आपको ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी है, फटाफट से छाप दीजिए। मुनि, 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 बताइए कौन सा मुनि सही है? तो मुनि कैसा लिखा, कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी की तरह। ठीक है, ये होता है मुनि। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। शिक्षणेत्तर, 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 किस तरीके से शिक्षणेत्तर लिखा जाता है बताना है आपको, कैसे लिखेंगे शिक्षणेत्तर? तो शिक्षणेत्तर की जो सही वर्तनी है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला शिक्षणेत्तर एकदम सही है। ध्यान रखना, इसमें जो डबल ता दिया है, डबल ता नहीं लगाना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकती है, बाकी सारे तो आप लोग कन्फ्यूज भी नहीं होंगे। शिक्षणेत्तर में सिंगल ता लगेगा, इसके ऊपर ता नहीं लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, सौहार्द आपको बताना है किस तरीके से लिखा जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी, किस तरीके से सौहार्द लिखा जाएगा? तो सौहार्द की बात अगर करें तो सौहार्द कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी की तरीके से, किससे? बी की तरीके से लिखना है, और यही सौहार्द सही है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बताना है। सौजन्यता, सौजन्यता, सौजयन, सौजन्य, कौन सा सही है इसमें से बताइए? आसान क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सौजन्य होता है। ठीक है, सौजन्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सन्यासी कैसे लिखा जाएगा? अभी हमने पढ़ा कैसे लिखा जाएगा सन्यासी, तो सन्यासी लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरह। ठीक है, ये होता है सन्यासी, बाकी ये वाला सन्यासी गलत होता है। ठीक है, तो ऐसे सन्यासी आपको नहीं लिखना है। अनिर्वचनीय बताना है, कैसे लिखेंगे अनिर्वचनीय? फटाफट से छाप दीजिए कैसे लिखा जाएगा अनिर्वचनीय, बहुत बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन। तो अनिर्वचनीय कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए की तरीके से। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है अनिर्वचनीय, क्लियर है? अनिर्वचनीय ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अंतरतले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, अंतरतले कैसे लिखेंगे? ए, बी, सी या फिर डी, कैसे लिखेंगे अंतरतले बताइए?
तो अंतरतलीय की बात करें तो अंतरतलीय की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है अंतरतलीय। क्या होता है? अंतरतलीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी बताना है, कैसे बहुव्रीहि लिखेंगे? सही जवाब बता दीजिए, बहुव्रीहि कैसे लिखा जाता है? तो बहुव्रीहि की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में जैसे लिखा है बहुव्रीहि, ऐसे लिखते हैं बहुव्रीहि। ठीक है, तो इसकी भी वर्तनी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चरमोत्कर्ष बताना कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी बतानी है। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष या फिर चरमोत्कर्ष, कौन सा वाला चरमोत्कर्ष सही है? तो ध्यान रखना है आपको, रा की जो मात्रा है वो नहीं लगानी है। ठीक है, हमेशा पूरा रा लिखना है, चरमोत्कर्ष। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, क्या हो जाएगी शुद्ध वर्तनी? श्रमति, श्रीमती, श्रीमती, श्रमती। तो इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, ये तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, क्या होगा? श्रीमती होता है। ठीक है, श्रीमती नहीं होता है, श्रीमती होता है। कालिदास की वर्तनी आपको बतानी, कौन सा कालिदास, 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 बताइए कौन सा कालिदास सही है? तो कौन से वाले कालिदास सही हैं? तो ऑप्शन नंबर बी वाले कालिदास एकदम सही हैं। ला में छोटी ई की मात्रा लगती है, बड़ी की मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, बताइए कौन सा शुद्ध है? प्रज्वलित, 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 सही जवाब क्या होगा बताइए? तो अभी हमने पढ़ा प्रज्वलित नहीं होता है, क्या होता है? प्रज्वलित होता है या प्रज्वल होता है। ठीक है, तो प्रज्वलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की तरीके से हो जाएगा, प्रज्वलित नहीं होता है। ठीक है, तो ये मत लगाइएगा, प्रज्वलित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? पौरुष, 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 बताइए कौन सा पौरुष सही है, कौन सा वाला पौरुष सही है आपको ये बताना है। तो अगर देखें हम ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए का पौरुष एकदम सही दे रखा है। ठीक है, रामे यही वाली मात्रा लगाएंगे, रामे ये वाली मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, 2+2=4 पर भी यकीन नहीं होता, हम लोग लिख के देखेंगे ऐसे 2+2=4। ठीक है, वहाँ ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, सृष्टा, 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 बताइए कौन सा जवाब इसमें से सही हो जाएगा सृष्टा के लिए। तो बात करें सृष्टा की, तो लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की तरीके से सृष्टा लिखा जाता है, ऐसे सृष्टा नहीं लिखा जाता, ये अशुद्ध रूप होता है सृष्टा का, क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, जागृत, 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 बताइए कौन सा शुद्ध है इसमें से। तो जागृत के बारे में अभी हमने पिछले ही क्वेश्चंस में पढ़ा, क्या होता है जागृत? ऑप्शन नंबर सी की तरीके से जागृत होता है, और ये वाला जागृत सही नहीं होता है। ठीक है, तो इस वाले जागृत का यूज करने से बचिए, ये वाला जागृत यूज करिए, ये सही होता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अछड़, अछूड़े, अछूड़ या अछुड़ुड़, क्या होता है सही, सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अछूड़े की बात करें तो आप लोगों को सही जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको एकदम
सही लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अच्छुड़ ये वर्तनी इसकी शुद्ध होती है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला अच्छुड़ गलत है, अच्छुड़ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। जो व्याकरण की दृष्टि से है तो व्याकरण की दृष्टि से यही अच्छुड़ सही माना जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन करना है आपको, गरिष्ठ 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 गरिष्ठ। सही जवाब क्या होगा बताइए, कौन सा वाला गरिष्ठ सही है? तो गरिष्ठ नहीं होता बल्कि क्या होता है, गरिष्ठ होता है, क्या होता है, गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ भोजन करते हैं, सात्विक भोजन और गरिष्ठ भोजन होता है दो तरीके का, वही वाला गरिष्ठ है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बतानी है, अंजलि 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 अंजलि, बताइए कौन सी अंजलि सही है। तो अंजलि होता है ना कि अंजलि, क्या होता है, अंजलि होता है, अंजलि नहीं होता है, ठीक है। ये वाला गलत है अंजलि, ये वाला अंजलि सही है, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैथिली सरल बताना है कौन सा वाला सही है, मैथिली सरल, मैथिली मथली, मैथिली मैथिली, बताइए कौन सा सही है इसमें से, फटाफट से छाप दीजिए। तो कौन सा सही है, मैथिली सरल होता है ऑप्शन नंबर सी की तरीके से, ठीक है। मा में ए की मात्रा लगती है, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है, अनधिकृत अनाधिकृत अनधिकृत अनाधिकृत, बताइए कौन सा वाला सही है। अनाधिकृत कौन सा वाला सही हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है, क्या होता है, अनधिकृत होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे गलत दे रखे हैं, क्लियर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौशल्या आपको बताना है कैसे लिखा जाएगा, कौशल्या कैसल्या कौशल्या कौशल्या, कैसे लिखा जाएगा कौशल्या। कौशल्या आपको बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो कौशल्या की अगर बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, तो कौशल्या जो ऑप्शन नंबर डी में है वैसे ही एकदम सही है, क्लियर है। और बात करें अगर कौशल्या, ऐसे भी एकदम सही माना जाता है कौशल्या, ठीक है, इसको भी सही मानते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों दे रखे हैं तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, कौशल्या इस तरह भी शुद्ध माना गया है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा, कौशल्या। एक मात्रा नहीं लगती, दो अगर मात्राएं लगती यहाँ पर तो ये भी सही हो जाता, क्लियर है। प्रेमचंद आपको बताना है कौन सा वाला सही है इनमें से, प्रेमचंद 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 प्रेमचंद्र प्रेमचंद्र, कौन सा प्रेमचंद सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है यहाँ पर, प्रेमचंद होता है, प्रेमचंद्र नहीं होता है, ठीक है। द्रा नहीं लगता है, दा लगता है, प्रेमचंद। उत्तीर्ण बताना है आपको कैसे लिखा जाएगा, उत्तीर्ण 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 उत्तीर्ण, कौन सा वाला उत्तीर्ण सही है आपको ये बताना है, कौन सा वाला उत्तीर्ण सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब हम और भी कुछ जो है, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, शब्द होते हैं जिनको हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, ठीक है, लिखने में, और अभी भी वही गलतियां करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उन्हीं को शब्दों को यहाँ पर देख लेते हैं, जो जिनको चंद्रबिंदु या अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ बोलते हैं। जैसे आँख, ऐसे वाला अशुद्ध होता है, ये वाला आँख शुद्ध होता है। उंगली, ऐसे अशुद्ध होती है, ये वाली उंगली सही रहती है। गांधी जी, गांधी जी में गा में बिंदु ये नहीं लगती है, चंद्र बिंदु लगती है, अनुस्वार नहीं यूज करते हैं। उसी तरह चांद हो गया, चांद ऐसे वाला शुद्ध होता है। पांचवा हो गया, पांचवा में भी चंद्र बिंदु लगता है, और बंगला, ठीक है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम पर डे लिखते हैं, अभी भी लिखेंगे,
हम लोग जानते हैं कि गांधी जी में ये वाला चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन फिर भी जब गांधी जी लिखेंगे तो हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, हमें पता है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये गलतियां हैं, तो इनको भी हमें माइंड में रखना है, ठीक है। थोड़े से और हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ भी बहुत सारे कॉमन वर्ड्स दिए हैं, हलंत संबंधी इसमें थोड़ी गलतियाँ हैं, आपको बतानी है। आइए देख लेते हैं, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर राजन दे रखा है, तो राजन में क्या होता है, हलंत लगता है। अकस्मात ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं, तो अकस्मात में हलंत लगता है। वड़िक, वड़िक में भी हलंत लगता है। विद्वान ये वाला गलत होता है, इस तरह विद्वान नहीं, विद्वान में भी क्या लगता है, हलंत लगता है। विराट हो गया, विराट ऐसे हलंत के साथ। भविष्यत लिखते हैं हम लोग, तो भविष्यत में भी ये हलंत लगता है, ठीक है। तो इनका भी याद रखिए, ध्यान रखिए। सतत हो गया, जैसे क्या हो गया, सतत, ठीक है, सतत में भी हलंत लगता है, तभी ये सही माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कभी दे दे कि सतत भी दिया रहे और पूछे इसमें से कौन सा अशुद्ध है, तो ऐसा नहीं कि सतत को शुद्ध मान लेना है। शुद्ध इस तरीके से होता है, हलंत के साथ। दृश्यमान में भी हलंत लगता है, प्रत्युत में भी हलंत के साथ सही होता है। महान, महान तो कभी हम लोग ऐसे लिखते ही नहीं, कभी नहीं लिखा होगा हमने, हमेशा महान ऐसे ही लिखा होगा, लेकिन महान ये वाला सही होता है, ठीक है। हलंत के साथ वाला महान सही होता है, ये वाला महान क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सचित होता है, सचित में भी हलंत लगता है और साक्षात में भी हलंत लगता है, ठीक है। और एक कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, कैलाश लिखते हैं, ठीक है। कैलाश कैसे लिखते हैं, कैलाश ऐसे लिखते हैं, कैलाश हम लोग, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, लेकिन ये वाला कैलाश गलत होता है, बल्कि कैलाश ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला कैलाश एकदम सही होता है, ठीक है। तो इनका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें एग्जामिनेशन में कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इनको भी हमें ध्यान रखना है। बाकी और भी जो वर्ड्स हैं वो देखेंगे, तो थ्योरी में अगर कराना होगा तो करा देंगे, बाकी आप लोग ऐसे ही रिवीजन करते रहिए और सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अगर मिड में शेयर आप लोगों ने नहीं किया है बीच सेशन में, तो अब इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट्स लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।